वेलकम बैक। एंड कल रक्षाबंधन है और इंडिपेंडेंस डे भी है, कल छुट्टी है सबकी, तो हम लोग अभी घर से बाहर निकले हैं। पीछे बैठी है टिमटिम, अपना टॉय दिखा रही है आपको। सो हम लोग अभी घर से बाहर निकले हैं थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। आज सुबह से बहुत हेक्टिक था डे, बहुत हेक्टिक, मतलब मेरा ये पूरा दर्द हो रहा है आंखों वाला जो है ना ये, तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। कल राखी है, मतलब रक्षाबंधन है, और हाँ एलिफेंट, कल रक्षाबंधन है। और मैंने सोचा था कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, जैसे कि आपको मैंने दिखाया भी था, मैंने वो चितले का मंगवाया है, वो भी नहीं बनाया अभी तक के। मैंने सोचा था कि मैं नमकीन खुरमे बनाऊंगी, क्योंकि टिमटिम को पसंद है, बहुत पसंद है उसे, वो भी नहीं बनाया अभी तक। लेकिन रात में सोने से पहले तो बनाकर ही सोऊंगी, ये ठान के रखा है मैंने। तो आज कुछ भी मेरा नहीं हुआ, मैं मेरे काम में ही लगी थी बहुत ज्यादा। अभी फ्री हुई अराउंड 6:30 बजे के आसपास, और फिर रेडी हुए हम लोग और बाहर निकल गए हैं। कल रक्षाबंधन है, टिमटिम के लिए कुछ भी नहीं लिया है हमने, तो उसके लिए कुछ लेना जरूरी था, इसलिए भी बाहर निकले, क्योंकि नहीं तो बच्चे को फेस्टिवल का पता ही नहीं चलेगा कि रक्षाबंधन क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए टिमटिम के लिए कुछ लेना था, क्या लेना है नहीं सोचा है अभी तक के। कुछ डिसाइड किया है हमने कि टॉय नहीं लेंगे, बिकॉज टॉय लेने का कोई मतलब नहीं होता है अब, मतलब हम तीनों ने ये डिसाइड किया है। टिमटिम अभी तो हमारी बात पे एग्री कर रही है, आपको नहीं पता कब तक करेगी। अरे इतने महंगे महंगे टॉयज लाओ, हार्डली बच्चे कुछ घंटे खेलते हैं और फिर वो टॉय बॉक्स में चला जाता है, वो टॉय किसी मतलब का नहीं रहता। इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव वर्क वाला कुछ, भले ही कुछ ऐसा जिससे बच्चे कुछ लर्न करें, ऐसा कुछ लेने का सोच रहे हैं हम लोग, बट अब टॉय नहीं लेंगे, मतलब ऐसा सोचा है मैंने। देखो यार कब तक चलता है, अभी तो वो मान गई है, बट बच्ची है यार, वो भी जब टॉय शॉप में जाती है, टॉयज देखती है, तो उसका भी मन करता है, बहुत नॉर्मल है। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या लेते हैं, बस इसलिए निकले हैं घर से बाहर। सोचा है चंदन नगर रुकेंगे, अगर चंदन नगर के पास में पार्किंग मिल गई तो रुकेंगे चंदन नगर, नहीं तो हम फिनिक्स चले जाएंगे, है ना। यस देखते हैं। तो हम मॉल जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि चंदन नगर निकल गया, और मुझे घर से निकलते से ही समझ में आ गया था कि इनका मूड नहीं है चंदन नगर जाने का, इनको मॉल जाना था और मुझे चंदन नगर जाना था। बट उस टाइम इन्होंने कुछ नहीं बोला, बट जब पहुंचने वाले थे तब इन्होंने ऐसी लाइन में डाल ली कार कि अब वहां से हम चंदन नगर नहीं जा सकते थे, तो अब हम मॉल जा रहे हैं। मेरा थोड़ा कम मैंने मॉल जाने का, चंदन नगर में क्या है छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, अफोर्डेबल चीजें मिल जाती है लेना चाहो तो, वही मॉल जाओ तो वो डबल से भी ज्यादा प्राइस में। बट आज ऑफर हो सकता है, अरे ऑफर का कुछ कंफर्म तो होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो बस अब पहुंचते हैं मॉल, देखते हैं क्या ऑफर है 15 अगस्त का, क्या है क्या नहीं है, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। टिमटिम आपको मॉल जाना था कि चंदन नगर जाना था, बोलो आपको मॉल जाना पसंद है कि चंदन नगर? मॉल से निकल गए हम, 10 बज रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा मेरी आंखें देखेंगे ना आपको लगेगा, बहुत टायर्ड फील हो रहा है। दो तीन दिनों से ना, जैसे मैंने बताया था लास्ट का भी नहीं हो पाई थी, दो तीन दिनों से थका ही नहीं रहा, आज फिर से वही हाल हो गया, मॉल आने का इसलिए मन नहीं करता, इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। और ऊपर से मेरे जो शूज है वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, शू वाइट भी हो गया मुझे थोड़ा सा। देन से हम लोग घर आ गए और बहुत ट्रैफिक था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कौन बोला? नहीं ये तो मैं बोली, क्योंकि कल रक्षाबंधन है और
बसेस जो यहाँ से निकलती है पुणे से, उन बसेस की वजह से बहुत जाम, प्लस बहुत ट्रैफिक, ट्रैफिक और जाम तो एक ही बात होती है, बहुत जाम, प्लस बहुत सारे लोग, बहुत क्राउड यार, मतलब फैमिलीज अपने बच्चों को ले लेकर सब रोड पर खड़े हैं, मतलब अपनी बस वगैरह पकड़ने के लिए, और बहुत क्राउड था। 11:15 हो रहे हैं, हम घर पहुंच गए, घर आ गए। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत लिमिटेड चीजें नहीं है हमें, मतलब हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सोचा था कि टिमटिम के लिए टॉयज नहीं लेंगे, एंड टिमटिम आज एक बहुत समझदार बच्चे की तरह एक दो बार उसने थोड़ा सा बोला टॉय के लिए, बट फिर वो बाद में जैसे ही हमने बोला बेटा हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम टॉयज नहीं लेंगे, क्योंकि उसको भी समझाओ तो वो समझती है कि हम टॉयज लाते हैं, महंगा सस्ता बच्चों को नहीं समझता, हम टॉयज लाते हैं, हार्डली वो 10 मिनट खेलती है उससे, फिर वो भूल जाती है, नेक्स्ट डे फिर से वो 4-5 मिनट के लिए वो टॉय लेती है, फिर वो भूल जाती है, तो कोई मतलब नहीं रहता है टॉय लेने का। टॉय बॉक्सेस फुल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, टॉय बॉक्सेस फुल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब किसी को दे दे रहे हैं हम लोग टॉयज, इससे बेटर लो ही मत टॉयज। तो वो मान गई, मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया। हस्बैंड के लिए कुछ चीजें ली, वो तो डोंट थिंक मैं दिखाऊंगी आपको, तो हस्बैंड की कुछ चीजें ली। देन मैंने टिमटिम के लिए सबसे पहले ये एक आर्ट एंड क्राफ्ट वाली बुक ली है, एक्टिविटी बुक, ये 99 मार्केट से लिया मैंने, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए, और मतलब जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब इसके लिए टॉयज नहीं लेंगे, तो मैंने कल बहुत ही तक सोचा कि एक्चुअल में ये करती क्या है, मतलब करती क्या है, इसका इंटरेस्ट किस चीज में है, टॉयज में नई नई खेलती है ये मोस्टली, मैं बताती हूँ दिन भर टिमटिम क्या करती है मोस्टली, मतलब टिमटिम दिन भर क्या करती है, वो कार्ड्स बनाती रहती है, वो पेपर में ड्राइंग बनाती है, कट करती है, फिर उसका कार्ड बना लेती है, दिन भर उसका यही चलता है। तो मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे उसके लिए थोड़ी एक्टिविटी वाली और आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें लेनी चाहिए, और उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको जो करना है वो करे, जो बनाना है वो बनाए। तो मैंने ये कुछ कलर्ड पेपर्स लिए, ये भी 99 मार्केट से ही लिया उसके लिए, एंड ये ड्रेस ली है, ये हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स गए थे तो वहां से, ये बहुत प्रिटी ड्रेस है टिमटिम के लिए, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है कलरफुल, बहुत ही प्यारा सा फुल स्लीव का, एंड देन ये स्कर्ट है, यहाँ पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये ड्रेस। सो राखी गिफ्ट के हिसाब से यही ले लिया, गिफ्ट में क्या लो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बहुत मन था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुछ इस टाइप की चीजें लूँ, आर्ट आर्ट मतलब, लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए क्या ले, कलर्स बहुत है इसके पास में, सीजर अभी चला नहीं सकती है, और हर टाइप के कलर्स उसके पास में है, तो उससे मैंने सोचा ड्रेस ही ले लेते हैं, तो ये है बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस, ये लिया टिमटिम के लिए। मैंने ये दो कैंडल्स लिए हैं, अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसके, हाँ करती हूँ 1 मिनट बेटा, अभी जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसको दिमाग में रखते हुए कुछ मेरे माइंड में कुछ आइडिया है, उसके लिए मैंने ये दो कैंडल्स लिए, ये भी 99 मार्केट से ही है, और ये रोजेस फ्रेग्रेंस, रोज की फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स है, एंड 179 रुपीज ईच है ये, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत है कैंडल और रोजेस की खुशबू है, पिंक कलर का है, यस पिंक कलर, पेस्टल पिंक टाइप का कलर है इसका, ये वाला तो मैंने ओपन करके देखा ही नहीं था, फोटो वोटो तो नहीं होगा, है थोड़ा सा रेनी डेज और जो थोड़ा विंटर वाला टाइम होता है ना उसमें कैंडल्स जलाने में बहुत मजा आता है, लाइक घर में बहुत ज्यादा उजाला ना हो, मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा उजाला पसंद नहीं है घर में, मुझे थोड़ी डिम लाइट्स ही अच्छी लगती है, और उसमें विंटर्स में या फिर थोड़ी जो रेनी डेज जब थोड़ी सी ठंड लगती है तब घर में कैंडल्स जलाओ और सेंटेड कैंडल्स हो तो बहुत अच्छा लगता है, सेंटेड कैंडल्स तो ओपन ही नहीं हो रहा यार ये है नेक्स्ट, अच्छे लग रहे हैं, तो ये दोनों है 179 रुपीस ईच, मतलब एक का प्राइस है 179। मैं मिनीसो भी गई थी, मिनीसो से मुझे आज सच लेना नहीं था, बट मिनीसो जाना तो क्या होता है, मैं मिनीसो भी गई थी बट मिनीसो में क्या होता है जब भी जाओ तो ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ना लो, बहुत अच्छी लगती है वहां की चीजें, सो
देखा एक दो चीजें, फिर सोचा छोड़ो यार वहाँ टिपटन के लायक कुछ नहीं मिल रहा था, वही सॉफ्ट टॉयज वगैरह थे, तो फिर हम निकल गए। एक मैंने बहुत ही खूबसूरत चीज ली है अपने लिए 99 मार्केट से, ये देखिए ये क्या है, बताओ बताओ क्या है ये? मिरर। मिरर मिरर है ये कैसा मिरर है, यहाँ से आप ऐसे इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, और ये ऐसा मिरर बहुत ही प्यारा मिरर है, एकदम रॉयल सा, दोनों टू मिरर। सो इतनी चीजें हैं जो मैं आज लेकर के आई। मम्मी मैं भी खोलना सीख गई। आप भी सीख गई खोलना, वेरी गुड। चलिए और क्या करना था मुझे, अब बस मैं जा रही हूँ किचन में, लगूंगी थोड़ा, देखती हूँ क्या हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ क्या बोलते हैं, फिर कल मॉर्निंग में राखी का त्योहार सेलिब्रेट करना। ओके वेरी गुड, चलिए ठीक है, अभी मैं करती हूँ इस ब्लॉग को नहीं कैमरे को यहाँ पर ही बंद करती हूँ, देखती हूँ हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ क्या डिसाइड होता है। हाँ और दो चीजें और रह गई दिखा लेते, वो दिखाती हूँ मैं जब भी 99 मार्केट जाती हूँ, आप लोग भी ट्राई करना। ये मुरही बोलते हैं ना इसे, झाल मुरही टाइप की जो मुरही होती है, मतलब पफ राइस जो होता है ना, मुर्रा पफ राइस वो रहता है ये, सॉल्टेड और टेस्टी वाला। ये वाला मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया बट खाया नहीं था, तो ये मैंने दो पैकेट लाए, अच्छा लगता है, स्पाइसी सा लगता है, 20 रुपीज ईच, ये वही मिलता है 99 मार्केट में। तो बस इतनी सी चीजें लाई मैंने कल के वीडियोस में, कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाई थी और मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ लगाया है, तो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी कि मैं उन फोटोज को कहाँ लगाने वाली हूँ। सो मैं अभी आपको बता रही हूँ, समझ गए होंगे आप, क्योंकि एक दो व्लॉग से थोड़े थोड़े क्लूज दे ही रही थी मैं आपको। तो मैंने कुछ फोटोज को यहाँ लगाया है मेरे फ्रिज में, ये देखिए आप, ये कुछ फोटोज मैंने यहाँ लगाई है। क्या हुआ टूटू, बोर हो गई? सो कुछ फोटोज मैंने यहाँ लगाई है और बाकी की जो कुछ फोटोज थी वो मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ लगाई है, ठीक है? ये देखिए ये बाकी की फोटोज मैंने यहाँ पर लगाई है, तो ये मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था। मैं एक्चुअली भूल गई थी और मैं आप सोच रही थी कि मतलब व्लॉग एंड करूंगी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ये तो दिखाया नहीं, बोला था नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और मैं दिखाने ही भूल गई थी। मुझे एक्चुअली और ऐसे फेरी लाइट्स भी ऑर्डर करनी है, बट मतलब ऐसे लोकल शॉप्स में नहीं मिलती यार, वो ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी अमेजोन से, तो मैं अमेजोन से मंगवाऊंगी। और मैंने मेरा फेस क्लीन कर लिया, नाइट टाइम रूटीन डन, अब बस ड्रेस चेंज करना है। सो आई थिंक मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, और वीडियो लाइक कर देना, ओके, गुड नाइट। और नेल पेंट भी साफ कर लिया मैंने। चलो टिमटिम, हाँ टिमटिम में भी, टिमटिम आओ ना, गुड नाइट तो बोल दो, कम या जल्दी आओ, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। See you soon. See you soon. आपको ऑयल लगाना है टिमटिम में भी, चलो मैं ऑयल लगा दूँ, चलिए ठीक है, बाय बाय।